चार जगह कलयुग रहता है, जिसमें से दो जगह हमने कल बताई। एक तो जहां ताश होते हैं, दूसरा जहां नशा होता है, तीसरी जगह जहां की बहन बेटियां अमर्यादित रहती हैं। गलत बोलना, गलत पहनना, गलत तरीके से जीवन व्यतीत करना जहाँ की माता बहनों के स्वभाव में आ जाता है, वहाँ भी कलयुग रहता है। चौथी जगह है जहाँ हिंसा होती है। पांचवीं जगह कलयुग ने स्वयं मांगी कि मुझे एक जगह और दे दो, वो है सोना। एक दिन क्या हुआ, सोने का मुकुट पहन करके परीक्षित जब जंगल को गए तो एक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे और ऋषि के आश्रम पर ऋषिवर समाधि में बैठे थे और इनको ये बात बुरी लग गई कि बताओ, हम तो जो है सामने खड़े हैं राजा होकर के, ये हमारा कोई स्वागत नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे, और हमें लगता है ये तो महात्मा कोई ढोंगी है। बताए जिसे संसार सत्य लगने लगे और भक्ति ढोंग और संत ढोंगी ऐसे लगने लगे, तो समझना उनके सिर पे कलयुग का निवास हो गया है। परीक्षित के सिर पे कलयुग का निवास था, उन्होंने एक मरा हुआ सर्प जो है ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका बेटा था तेज तर्रार, उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से सातवें दिन नागों का राजा तक्षक डस लेगा। नागों का राजा तक्षक डसेगा। अब ये श्राप जब पता चला परीक्षित जी को, उन्होंने उसी समय ये निर्णय कर लिया कि जब मरना ही है तो उससे पहले क्यों न अपने कल्याण का कोई उपाय कर लिया जाए। तो उन्होंने तुरंत घर परिवार को छोड़ने का निर्णय ले लिया और चल पड़े हैं गंगा जी की ओर। गंगा जी से पहले ही एक जगह पड़ती है मुजफ्फरनगर के पास में, शुक्रताल। उस शुक्रताल पे एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष आज भी है, 5,500 साल पुराना वो बरगद आज भी है और बहुत विशाल है। उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के परीक्षित जी महाराज बैठ गए और जब वो बैठे हैं ना, तो जगह जगह के राजा महाराजा संत महात्मा ऋषि मुनि सब लोग आए। भाई किसी पे कोई संकट आता है तो लोग सुन सुन के आते हैं, तो ऋषि मुनिया मुनि जो है उनसे पहले से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि ये राजा बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए सब आए।
आए मिलना सिद्ध मोन ज्ञानी। लेकिन समस्या थोड़ी जटिल थी, 7 दिन का समय, कैसे कल्याण हो, उपाय कोई मिल नहीं रहा था। एक युग तेन मन ठहरानी, तब जाकर के उस पेड़ के नीचे ही परीक्षित जी महाराज के सामने सुखदेव जी महाराज आते हैं। और महाराज सुखदेव जो है बड़े विरक्त, बड़े अवधूत महात्मा, बड़े विरक्त और बड़े अवधूत महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज आए। चरणों में परीक्षित जी ने गिर करके प्रणाम किया। ये जो बरगद का पेड़ है ना, इस पेड़ को, इस वृक्ष को देवता भी नमन करते हैं, जिसके नीचे सुखदेव जी जैसे विरक्त महात्मा। क्योंकि जहें जहें राम चरण चल जाहीं, ते ही समान अमरावते नाहीं। जहाँ जहाँ भगवान के और भक्तों के और संतों के चरण पड़ जाते हैं, फिर वो जगह बड़ी पूजनीय, प्रणम्य हो जाती है। आप में से किस किस ने देखा है उस वृक्ष को जो 5,500 साल पुराना है? है कोई? संतों में भी नहीं है। अच्छा, फोटो में, वीडियो में देखा है। हाँ, इतना बड़ा वृक्ष है, जैसे बादशाही का जो परिक्रमा लगाई थी ना, उन्हें पूरी पूरा परिक्रमा, वो नहीं, जो यमुना जी के किनारे जहाँ हम गहरी कीच में है कि नहीं करे, इतनों एक ही दिन में जिसके नीचे 4 कथाएं हो जाती हैं। अच्छा, महल बादशाही की प्रधान जी आते हैं क्या कथा में? प्रधान जी, वो जगह बड़ी खराब पड़ी है तुम्हारी, वो जो कलश यात्रा निकली वहाँ में इतनी कीचड़ हती, माँ हम प्रधान जी को गारी दे रहे थे मन ही मन। ए हाँ, अच्छा, तो भाई जिन्हें कावनी बोर जगह रोकी होए, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, तो बाय भाई। देखो, दगरे को रोकवो 200 तो है अच्छा विवाद हुआ थोड़ा सा, अच्छा परिवार को ही है। तो मेरी तो जहाँ तक बात जाए भैया, हो रास्ता को, क्योंकि जो जो वहाँ के निकरेगो जाकाऊ ने विरोध डारे होगो, जाकाऊ ने वहाँ बीच में रोरा डारे होगो, बाय पाप को भागी बनना पड़ेगो। तो मेरी जहाँ जहाँ तक प्रार्थना है,
कि कभी भी रास्ता जब निकल रहा होए तो भले ही अपने खेत में ते एक आध कूड़ चले जाए तो दे देना चाहिए। रास्ता कबो खराब नहीं करना चाहिए। सबरी रास्ता साफ करती थी ना, इसलिए भगवान आए। और हम रास्तों को रोक रहे हैं, रास्तों में कीचड़ हो रही है। और बताओ जिन्हें लाभ होना चाहिए बिना ही परेशानी आ रही है। तो छोटी सी जिद की बात को छोड़ करके समझदार की यही निशानी, बोले क्या समझदार की यही निशानी, और एक ने कही एक ने मानी, इसे समझदारी कहते हैं। तो भैया वो रास्ता जहां जहां जिस कारण से भी खराब हो रहा हो, कथा के लास्ट के दिन तक हमारे पास ये सूचना मिल जाए तो हमें अच्छा लगेगा कि वे लोग मान गए और वहाँ आरसीसी होगी तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी बात वहाँ तक पहुँच तो रही होगी। चार सीसी है उसमें। हाँ तो ठीक है। तो हमारे प्रधान जी का कोई दोष नहीं है साहब, बाइज्जत बरी किया जाए। नहीं, प्रधान जी का सचमुच उसमें आरसीसी हो रही है। तो जिसने पानी को इधर से उधर रोकने की जो कोशिश की है, अरे तुम्हारे तो बगल में जमुना जी हैं भैया, कितौते खोदे के मामे डाल दे हैं, पर बेतई दिखाओ ने रोक रहा क्यों होगा। हाँ, तो उससे मेरी प्रार्थना कि रस्तों में झाड़ू लगाने से परमात्मा, यहाँ हमारे भारत में कई जगह तो माताएं वो लेती रहती हैं, नियम लेती हैं कि हम जो है एक साल तक रोजाना रास्ता में झाड़ू लगाएंगी। सबरी के यहाँ से नियम चल रहा है, है? हमें बादशाही पूरी बहुत अच्छी लगी, महल बादशाही पूरी बहुत अच्छी लगी, बस बई कोने पे हमें लगे कि यहाँ एकता ना है लोगों में, यहाँ प्रेम कम है या आपस में तानाशाही ज़्यादा है, बादशाही कम है तानाशाही ज़्यादा है, हमें ऐसी लगी वहाँ। तो उनसे मेरी प्रार्थना कि उस फिर तो आरसीसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो एक दिन का काम है, पानी निकल जाए तो सूखा हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो रोरा डाल रहा हो तो पकड़ के हमारे पास ले आइए भाई। हाँ, तो इन दो उनते जो है मैं प्रार्थना कर दियो वो तो मिल भी आमे शाम को तो अच्छा लगेगा हमें। नहीं, दोष आरोपण यहाँ मत करो, यहाँ मत करो, बाद में है सके तो भिन्न हमारे पास लिए आइयो। तो वो जो बरगद का पेड़ है ना, उसे देवता भी आकर के प्रणाम करते हैं कि तुम्हारे यहाँ भागवत की कथा हुई, तुम्हारे नीचे संत बैठे विरक्त बैठे, आओ हम आपको वीडियो में उसका दर्शन करा रहे हैं। और उस वृक्ष के सचमुच दर्शन करने हैं तो वहाँ हमारी कथा है 12 मई। अब क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल बीच में है और मई है ना, 12 मई से वहाँ कथा है। आप सब लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, आ सकते हैं। वहाँ कथा फ्री, बैठने का पांडाल फ्री, बिछाई फ्री, भोजन फ्री, और कमरा में रहना तो वो लेना पड़ेगा अपने पैसे से, वो वहाँ अपने हिसाब से। देखो ये वृक्ष है, निकाल किस तरीके से रहेंगे, कैसे गाएंगे। ये नहीं है, ये तो वो निकाल रहे हैं, मैं जानू या तू जाने।
मेरी राम जी से लगन लगाए कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी राम जी से दिल लगा।
कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटाए, ऐसा कोई संत मिले। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्यन्ति वै गृहः, किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः, किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। एक बात बताऊं, जब हमारे पाप बढ़ते हैं तो हमें ठेका के पास से गुजरने का मौका मिलता है, चाहे अंग्रेजी को हो चाहे देसी को, और पाप नेक और ज्यादा बढ़ जाएं तो ठेका पे जो रोज जाते हैं उनसे हमारी दोस्ती होती है, फिर पाप और बढ़ जाएं तो फिर वे कसम खिलाते हैं कि ज्यादा नहीं तो एक घूंट तो लेनी पड़ेगी, और जब एक घूंट से शुरुआत हो जाती है तो फिर पापों के बढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो अपने आप पाप बढ़ते ही चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब पुण्य बढ़ते हैं, चाहे इस जन्म के हों चाहे उस जन्म के हों, जब पुण्य बढ़ते हैं तो किसी संत की खुशबू आती है, चाहे मोबाइल में है के आवे, चाहे टीवी में है के आवे, चाहे कोई संघ के मिलवे वारे के द्वारा आवे, उसकी खुशबू आती है। फिर और थोड़े से पुण्य फलोन्मुख होते हैं तो फिर उनकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। यदि पुण्य नहीं होंगे तो अच्छी नहीं लगेंगी बातें। ऐ मुकते बाबा जी डोलने जो ही बगत रहता है कहाँ करना है। यदि पुण्य होंगे तो उनकी बातें मीठी लगेंगी, प्यार हो जाएगा उनकी वाणी से, और जब उनकी वाणी से प्रेम होगा लगाव होगा तो फिर उन्हें देखने का मन चलेगा, तो और ज्यादा पुण्य इकट्ठे होंगे। जब बात अच्छी लगे तो इतने का हाथ अन्य खोल लो करो, फिर जब और पुण्य इकट्ठे होंगे कऊ जन्म के पुण्य फलोन्मुख होंगे तो क्या होगा, फिर संत की दर्शन की इतनी लालसा हो जाएगी, इतनी लालसा हो जाएगी, कहाँ मिलें, कब मिलें, कैसे मिलें, कौन से जुगाड़ लगाई जाए, कौन हमें लेके चलेगो। बहुत पुण्य फलोन्मुख होंगे तो भीतर से ये लगन लग जाएगी, और जिस दिन भाग जागने वाला होगा, जिस दिन ये पुण्य फलोन्मुख होते हैं पूरी तरह, उस दिन फिर संत की महफिल में हमारा कदम पड़ जाता है, फिर पुण्य करने की जरूरत नहीं होती। बोले क्यों, फिर तो पुण्य अपने आप होता है। जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए,
एक तो ये पंक्ति है, दूसरी है जितना भुलाना चाहें तुम उतना याद आए। तो जब जब हमारा पुण्य बहुत फलोन्मुख होगा, जिस दिन हम संत की महफिल में पहली बार पहुंचे उस दिन को डायरी में नोट करना चाहिए कि आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम कह सकते हैं गोल्डन डे आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा सुनहरा दिन, गोल्डन डे, क्योंकि उसी दिन से हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है। तो बोले उससे पहले हम दिन और रात चल रहे डोल रहे, वो क्या हो रहा था? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा कहता हूं। एक जो है नई उम्र का सन्यासी, युवान अवस्था थी, दाढ़ी अभी आई नहीं थी, रेख आ रही थी, और गेरुआ कपड़े पहने एक घर भिक्षा करने गया। जब वो घर में भिक्षा करने गया तो क्या हुआ, उसकी जो अभी शादी होकर के आई थी, 4-6 महीना हुए थे, वो बहू जो है उसे भिक्षा ले डालने के लिए आई। गांव को बड़ो बूढ़ो वहां बैठे हो, उस नई बहू ने सन्यासी से कहा कि आपने तो बड़ी जल्दी करी। सन्यासी बोला डर लग रहा था। अब बड़ो बूढ़े के कान खड़े है गए कि सन्यासी है कि जाए काय को डर लग रहो, और जिका पूछ रही है कि इतनी जल्दी कैसे, और जिनकी कोई मुलाकात है नहीं। फिर उस नारी ने पूछा, युवती ने, उस सन्यासी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी? तो वो कहती है कि मेरी उम्र तो बाबा ज्यादा नहीं है। बोले फिर भी? बोली मेरी उम्र होगी लगभग लगभग 12 साल, जबकि वो थी कम से कम 20 साल की। क्या कह रही? 12 साल। बोले 12 साल? अब वो जो उसका ससुर था ना, वो गुस्सा हो गया, 20 साल की है और बता रही है 12 की। सुन लो, लेकिन बात सब बात ध्यान से बोले सुन ले, बाद में चर्चा करेंगे। और बन के सास तुम्हारी हैं? बोले हाँ। बोले उनकी उम्र क्या है गई? बोले कि उनकी उम्र होगी लगभग लगभग 8 साल। अब कौन से बड़े बूढ़े गुस्सा नहीं आवेगो, यानी बहू 12 साल की और सास 8 साल की, हुक्का पी रहो माने हुक्का बंद कर दो, गुडर गुडर बंद कर दई, माने कि और ध्यान से सुनी जाए तो बात बिल्कुल ही पागलपने की कर रही है, उल्टी कर रही है, झूठी कर रही है। और वन की बोले पति? बोले पति तो अभी बस भाई हैं, 2.5 साल के हैं। अब्बा को पारो जो है ऊपर चढ़ गो गर्मी को, ससुर को बोले 2.5 साल को छोरा मेरो, और सास 8 साल की, और खुद बन नहीं है कितने की? 12 की। और फिर वह सन्यासी ने पूछी, क्यों ससुर भी हैं क्या? बोले बे अब ही ना भाई। बोले बिन को अभी जन्म
और ससुर ने जो है कही कि जब बाबा जी चले जाते जब जा देखेंगे कि भाई हम तो बहे ही ना, तू कहाँ से आ गई है, हम अभी बहे ही ना। पर माने कि अब जब महत्व भैयरवानी की जाते हैं मोह लगेंगे तो गड़बड़ होगी, इसलिए एक काम करें जाके बाप पे बुला लें, उल्टी सूधी बात कर रही है। हाँ चलते चलते एक बात और पूछी सन्यासी ने कि बहन जी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सब ताजी खाते हैं कि बासी? सो कह रही है कि ताजी तो एक किनका जा घर में नहीं है, सब बासी खाते हैं, सब के सब बासी खाते हैं। अब ससुर बोले कि रोज गरम गरम खा रही है, चिपर की रोटी खाती है, वो बातें कह रही है कि बासी खाते हैं। अब वैद्यनाथ विवाह को मूड अनमनो बाप पे खबर भेज दी कि जाओ भाई बुला के लाओ, जाए ढोकर आए जाकि बुद्धि खराब है, क्योंकि ससुर तो भयो ही ना, ससुर भयो ना तो तू कहां से आ गई। ससुर बुलाया, उसका अपने अपना समधि बुलाया और समधि से कहा कि साहब हम पंचायत जोड़ रहे हैं, तुम्हारी छोरी हर बात उल्टी कर रही है और हमें बदनाम कर रही है कि हमारे घर में बासी खाया जाता है, ये वो जो 50 बातें हम तुम्हें गिनाएंगे तो तुम भी सोच में पड़ जाओगे। बोले बताओ भैया, गांव में जोड़ लो, गांव जोड़ लो, पूरी बादशाही घट्टी है गई। अब बब्बा छोरी है बेचारी है, पता ही नहीं बाया तो कछु अभी तक जी ना पता होगा जी पंचायत काय कोई घट्टी है रही है। तो वो घर में थे बुलाई गई, जब निकल के बाहर आई तब ससुर ने कही साहब जा छोरी ते मेरे प्रश्न को उत्तर दिब्बाओ। बोले दिब्बा, तो प्रश्नों का जब उत्तर जब उस लड़की ने दिया तो सारी सभा दंग रह गई। पहला प्रश्न था, वो कहता है ससुर के जाने न्यो कही, जब सन्यासी से पहली बेर में पहले तो जो बोली क्यों, बाबा जी फावा जी ते काला न देनो त्यो नयो ब्याह है क्या आओ पे घर में रहे। बोले जो बोली तो उल्टी सूधी बात, न्यू कह रही कि इतनी जल्दी क्यों करी, अब का मतलब हो जाएगी बात को जा एक एक उत्तर दिब्बाओ। वो तो चौंक गई, उसने कहा पिताजी आपकी बच्ची हूं मैं और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूं, पर आपके हर प्रश्न को एक बार में सुनना चाहती हूं और उसके बाद अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। बोले बताओ। बोले पहले तो तू यही बातें बता देते ना बाबा जी, तो यो क्यों कही कि इतनी जल्दी क्यों। बोले हमने बाबा उनसे ये पूछा था क्योंकि बेबी सत्संगी थे और हम भी सत्संगी, इसलिए हम दोनों की जो आध्यात्मिक बातें हैं वो संसारी लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि हम संसार की चर्चा नहीं कर रहे थे, हम तो अध्यात्म मार्ग की चर्चा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि अभी तुम्हारी नई सी उम्र इतनी जल्दी बाबा जी हैवे की क्यों तुमने करी। तो बोले फिर बाने का उत्तर दो। बोले उन्होंने कहा था कि डर लग रहा था। तो बोले बाय काय को डरो बाबा जी हो, तो उनको जो है संसार की माया का, संसार के मोह का, संसार के काम क्रोध लोभ मोह में फंस न जाऊं इस बात का उन्हें डर लग रहा था। अब तो डोकरा मूड खुजामन लगे। बोले भाई हम समझ रहे कछु और बात निकली कछु। बोले दूसरा प्रश्न करो पिताजी। बोले बेटा तुमने ये पूछा था, उसने बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। अभी साबरी सरदारी बैठी है यहाँ, जब ब्याह भयो का हो तो तू 19.5 की थी, तेरी डेट ऑफ बर्थ जो है कागजों में भी 19.5 साल है, हम सब जानते हैं।
लेकिन तैने कहा बताई बताइयो सही सही। बोले पिताजी मैंने 12 साल बताई। तो बोले तू 12 की कांति आ गई। बोले पिताजी ये जो उम्र है जो हम तुम जी रहे हैं ये पर अध्यात्म मार्ग में इस उम्र की कोई गिनती नहीं है। बोले तो? बोले मेरे को 12 साल उस दिन से हुए हैं जिस दिन मैंने सत्संग में पहली बार कदम रखा था। ये उम्र तो उसी दिन से है ना। राम जी की माता ने कहा था, राम जी से जब जनकपुर से शादी होके आए, बोले बेटा तेरे बिना एक क्षण अच्छो नहीं लगो, तेरे बिना जो जिंदगी कटती है ना वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो तो नरक के समान मानो। इसलिए यदि तू परमात्मा है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले। बोले क्या? बोले तेरे बिना जो जीवन कट रहा है उसको मेरी जिंदगी से काट के बाहर निकाल दे, उसे मेरी जिंदगी में न गिन। हैं? देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। तुरंत घुमाया करो, तुरंत माहौल बनाया करो, अंतरा का माहौल बनाया। इसमें अंतरा का माहौल बनाओ। नर नर नार नर नार नार नर नर नार 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 नर नार नार को मिलाना सुकून। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। तेरे बिन कैसे जीवन तू मिले तो तुझी से कहूँ, हाँ तुझी से कहूँ, हाँ तुझी से कहूँ। अब मेरे दिल की जो प्यारी पंक्ति है वो अब आ रही है। बिना सत्संग के, बिना गुरु मंत्र के, बिना संत संग के, बिना संत सेवा के, बिना अध्यात्म के जो जिंदगी है वो जिंदगी नहीं है, वो लाश है। बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, इसलिए प्यार कर ले आहा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। देख ली
बेवजह उम्र, बेवजह उम्र ढोली पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लड़की कहती है, बहू कहती है, पिताजी मेरा जिस दिन सत्संग में पहला कदम पड़ा मैं तो उसी दिन से अपना जीवन मानती हूँ, उससे पहले तो मैंने जिंदगी को ढोया है, जिया नहीं है, मैंने जिंदगी को ढोया है लाश की तरह, उसे मैं कैसे गिन लूँ, आप बताइए। सोई बूढ़े के कपाट खुलन लगे, उघरे पटल परसु धरम मत के, सोने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के,
उघरे पटल परसुधर मत के। बेटा तू जो कह रही थी कि तेरी सास तो 8 ही साल की है, तू 12 की है। बोले हाँ पिताजी, जब मैं शादी है कि आई तब मेरी माताजी सत्संग में जुड़ी नहीं थी, फिर धीमे धीमे मैंने मोबाइल में अपनी माताजी को गुरुजी के प्रवचन सुनाए, भजन सुनाए, सत्संग सुनाया, फिर वो मोते 4 साल बाद पहली बार सत्संग पांडाल में गई। कै साल की भई? अब बूढ़ो खुद कहने लगे, हाँ बेटा 8 ही साल की भई। बोले तेने आदमी की अपने की उम्र 2.5 साल बताई। बोले बुने अकड़ू हते, बुने पोटवे पाटवे में मोए पूरे के पूरे जो है 2.5 साल घटाओ 12 में थे 9.5 साल बने पोटवे पाटवे में जैसे तैसे हैं लगे। तो अभी बिन्ने हमें ने जो है गुरु मंत्र दिबायो है, सत्संग में गए हैं, तो वे तो केवल 2.5 साल के भई हैं। अब पिताजी तुम बताओ क्या साल के है गए? पिताजी को हाथ में थे हुक्का छूट जो। बोले बेटा मेरो जन्म ना भयो है। बोले मेरो तो जीवन वैसे ही चलेगा पूरो। अब उसने कहा मुझे बता बेटा तू मेरो जन्म कब कराए? बोले पिताजी मेरे गुरुजी आएंगे तुम्हारे बगल में, उनकी कथा है फलाने फलाने महीना में, तब ले चलूंगी। बोले ठीक है। अब एक लास्ट प्रश्न और है, तेने जो कही कि हमारे घर में तू बासी खाते है तो बासी दे ही जाते, तू बासी खाते है? बोले नहीं पिताजी, बाबा मैंने यूँ नहीं कही कि मुझे बासी मिलते हैं, मैंने यूँ कही कि हमारे पूरे घर के लोग केवल बासी खाते हैं, ताजी कोई नहीं खाता। बोले मतलब जो है कि पहले को जो पुण्य कर्म धर्म कराए काए अभी बई को खा रहे हैं, ताजा पुण्य धर्म कुछ होता नहीं है। सुने मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मत के। ससुर जो हाथ जोड़ के ठाड़ो है गो, भगवान तेने मेरे घर में लक्ष्मी भेजी है, ऐसी बहू भेजी है, और बाकी अपने समधी के हाथ जोड़ के बोले मैं आपको ऋणी रहूंगो, नहीं म्यो जीवन तो चुगली चांटी में कटेगो पूरो। मेरे घर में ही इतना बड़ो संत बैठे हो बहू के रूप में, मैं कबो समझ ही नहीं पायो। मैं प्रणाम करता हूँ सन्यासी को, उसने मेरे घर से भिक्षा मांग करके मेरी आंखें नहीं मेरे पूरे गांव की आंखें खोल दई है। मेरो कल्याण कर दो जा बहू ने। तो ये जो उम्र है ना, जो वैसी जो उम्र है बिना भजन की बिना सत्संग की, इस बात को परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं क्या कि ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्यन्ति वै गृहः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः किं पुनर्दर्शनस्पर्श। बोले वह व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है जो संतों की याद करता है, वे आंखें और वो दिल बड़ा सौभाग्यशाली है, वो दिल भी और वो आंखें भी जो संतों की याद करके भर आए, दिल भराए या आंखें भराए
तो समझना बड़े सौभाग्यशाली हैं वे नैन और वे आंखें। पता है और भी सौभाग्यशाली हैं वे जीव, वे मनुष्य जिन्हें ऐसे गुरुओं का दर्शन हो जाए, जिनके स्मरण करने से आंखें भर आती हैं, जो करुणा से भरे हों, जो प्रेम से भरे हों। निरपेक्षम मुनिम शांतम, निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो कैसे संत हों, मुनि हों, शांत हों, निरपेक्ष हों, ऐसे संतों की याद जो दिल करता है वो धन्य है, पूजनीय है, अर्चनीय है, आदरणीय है वो दिल। उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है पता है? जो संत को जिसे दर्शन करने का मौका मिल जाए, ऊपर से फिर छूने का मौका मिल जाए। ये साम संस्मरणात पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जिसके घर पे संत आ जाए। इधर सोफाओं पे भी बैठ सकते हैं, सोफाओं पे बैठ जाओ, सोफाओं पे बैठ जाओ। हाँ, और ये बेटा ये जो ये स्पीकर का बॉक्स है ना, इसे आड़ा कर दो, नीचे कर दो, लुटा दो, फिर परात रख दो। भैया ये साम संस्मरणात पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है इस बात को मैं बताना नहीं चाहता हूं, पर बता देता हूं। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो है, वो भाग्यशाली नहीं है जिसने दुनिया में प्लॉट खरीद लिए, मकान बना लिए, के प्रॉपर्टी कर ली, कोल्ड स्टोर बना लिए, स्कूल कॉलेज बना लिए, ना वो भाग्यशाली नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वो है कि अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अपनी किसी भी कृत्य से एक थोड़ी सी जगह संतों के दिल में बना जा, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जो गुरुओं के दिल में, संतों के हृदय में जो अपनी जगह बना लेता है। संतों को याद करे वो सौभाग्यशाली है, लेकिन संत जिसको याद करें वो सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली है, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ रहे थे, उनके पास में उनका सारथी था दारुक, उससे कहा कि तू चला जा, द्वारिका 7 दिन के बाद डूबने वाली है। फिर उनके पास में 2 व्यक्ति और रहे, उद्धव और मैत्रेय। भगवान ने अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई उन्हें, पूरे जीवन की लीला सुनाई, और अंतिम में लीला को सुना करके, कथा को सुना करके एक बात कही, हे उद्धव, हे मैत्रेय, अब मैं इस धराधाम से जा रहा हूं, इस शरीर से, लेकिन मुझे एक भक्त की याद आ रही है। बोले किसकी? बोले मेरा एक बड़ा प्यारा भक्त है जिसका नाम है विदुर, और भगवान की आंखें भर आई। उद्धव जी रो पड़े कि ऐसा कैसा भक्त जो तो तुम्हारे साथ रहा, न तुमसे बहुत ज्यादा मिला, तुम तो एक बार बस उसके यहां घर में बैठ कर के प्रसाद पाके आए थे, वो भी छिलके, उनकी याद कर रहे हो। बहुत प्यारी बात भगवान ने कही, प्रेम कभी जरूरी नहीं है कि पास पास रहें तो ही निभे, हैं?
प्रेम तो दूर रहे चाहे पास रहे, प्रेम भीतर जो है एक वृक्ष की तरह पलता है। जैसे छोटे पौधे को पालना पड़ता है, ऐसे प्रेम भीतर पलता है। उसका बीज आरोपण हो जाए, उसका अंकुर उसमें हृदय में बो जाए, लेकिन मैं संसार के दो टुकड़े की जो 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 ये वैसे जो कहता ना जी प्रेम, ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है, ये समझौते हैं। सच्चा प्रेम होता है गुरु और शिष्य का, भक्त और भगवान का, स्वामी और सेवक का, संत और भक्त का। इसमें स्वार्थ नहीं होता, इसमें भीतर कालिमा नहीं रहती, इसमें कुछ चाहिए नहीं, बस प्रेम पलता है भीतर ही भीतर। बस उसके बिना, उसकी याद के बिना भी रहा नहीं जाता, वो प्रेम पलता है। और ये प्रेम जिसके पलता है ना, फिर उसे भगवान याद करता है, उसे गुरु याद करता है। अचानक से तुम्हें गुरु की याद आए ना, बैठे बैठे अचानक से तुम कोई काम कर रहे हो और अचानक से दिमाग चला जाए, तो ऐसा क्यों हुआ? तुमने याद तो किया नहीं, याद अचानक से आई और ऐसा लगा कि रोना सा आ गया। तो पूछना अपने दिल से या किसी महापुरुष से कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा तब होता है जब अचानक से गुरु तुम्हें याद कर रहा होता है, और जब वो घंटी बजती है भीतर तो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उसकी याद आती है। हैं भाई, वहां से कोई फोन लगाता है तभी तुम्हारा फोन हिलता है, हैं? और एक बात बताऊं, जब जब कोई याद करता है ना अपना, तो जैसे मोबाइल में वाइब्रेट होता है, ऐसे हृदय में भी हिचकियां आती हैं, हैं? कि या जो याद उनने आई थी हिचकियां, हैं? कि या जो याद उनने, अभी इनको बिठा दो, इनको समझा दो, कोई अभी बैठ जाए। एक कार्यकर्ता इधर रहना चाहिए, चुपचाप कान में बैठ समझा करके बिठा करके। फिर जब जब गुरु याद करता है ना, तो मन वाइब्रेट करता है, कभी नींद खुल जाती है, कभी काम में मन नहीं लगता, कभी मन ऐसा उचटता है कि काम छोड़ दें, घर छोड़ दें, धंधा छोड़ दें, अब जल्दी से दर्शन हो जाए। जब ऐसा होने लगेगा ना, तो समझना धीमे धीमे तुम्हारी जगह गुरु के दिल में अपने आप बनती लगेगी। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। गुरु के दिल में जब जगह बन जाए, तो उसे भी अपनी कोई खासियत मत समझ लेना, वो भी गुरु की करुणा है, है? पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। गुरु के दिल में जब जगह बने, तो उसे भी उसी की कृपा समझ करके गाइएगा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
बदलती तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, सताए उसको तेरी माया, न सताए उसको जिसको अपना तूने मान लिया, ऐसा क्या
है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना तूने कर दिया है मेरे लिए, इतना कौन कर किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का, मेरी हर खुशी का इंतजार किया, क्या जरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा काम किया हम